आज तारीख 9 अप्रैल है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नागपुर में पूरी इंडिया से लोग आए हैं, जो आर्मी सीआरपीएफ, जो जितने भी सेवा में जो सैन्य दल है वहाँ पे, और ये सब लोग रिक्रूटमेंट हो चुके हैं पहले से ही, और वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं उपोषण करने के लिए। देखिए, ऑल इंडिया पुलिस, और ये सभी लोग रोजगार के तलाश में हैं। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं नेटवर्किंग में, हम बहुत अच्छे जगहों पे हैं। देखिए ये सब, यहाँ पे आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ जीडी जितने भी गवर्नमेंट की जितने भी सुरक्षा बल है उसके जितने भी जवान है जिनका रिक्रूटमेंट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ये लगे नहीं हैं। तो मैं एक भाई साहब से आपको मिला रहा हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुचंता है। और आप यहाँ पे मतलब किस लिए आए हैं? हम लोग का 2018 में वैकेंसी आया था 7,210, उनका रिकॉर्डिंग उन लोगों ने सिर्फ 54,000 का फिलअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी भी 6,000 खाली है। वो रिक पद हम लोग का ज्वाइनिंग चाहिए ना, हम लोग का रिटेन मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्वालिफाई है, इसीलिए हम लोग ऑपरेशन पे बैठ गया। आज हम लोग का 36 डेज हो गया। देखिए, इस तरीके से नागपुर में उपोषण हो रहा है, 36 डे हुआ है, ये लोग कुछ भी खाए नहीं है, और यहाँ पे इतने दिन से उपोषण चल रहा है, इनका फिजिकल मेडिकल सब कुछ निकल चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी, एक लड़की को तुरंत चक्कर आके भी गिर चुकी है। तो ऐसी इंडिया में कंडीशन है, इसलिए हमें सही करियर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ पे भी वर्क करते हैं वहाँ पे पूरे आगे का फ्यूचर सोच के काम। देखिए, इस तरीके से इंडिया में हालत है रोजगारी को लेके, बड़े सारे लोग आज भी समझ नहीं पा रहे, जिसकी सीना भी भरता नहीं है, पूरा सीना भी चौड़ा होता नहीं है, भरता नहीं है 5 सेंटीमीटर, वो भी आर्मी की तैयारी कर रहे, जीडी की तैयारी कर रहे। करना चाहिए, देश के समर्पित होना चाहिए, लेकिन करते कि वह रोजगार के लिए, पैसे के लिए। माँ बाप बताते हैं कि भाई तू लग जाएगा तो तेरा जिंदगी सफल हो जाएगा गवर्नमेंट में, लेकिन असलियत में क्या है कि पैसा कमाना है। तो इस तरीके से इंडिया में कंडीशन चल रहा है, हालत है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्किंग को चूज़ करते हैं तो ये हालत, ये दिन बदल सकते हैं। हमारे साथ आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्किंग, विनफिनिट में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।